नमस्कार, आदमपुर का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आदमपुर उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जंग दिलचस्प मोड पर आ गई है। सीट और सियासत के अनोखे समीकरण बनते जा रहे हैं। कोई वादों दावों से जनता को रिझाने की कोशिश कर रहा है तो कोई अंदरूनी कलह का शिकार है, फिर से उठती हुई दिखाई दे रही है। सवाल यह है कि क्या वाकई सब कुछ एक तरफा चल रहा है? चर्चा करेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे आदमपुर में मतदान के त्योहार की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दल सीट पर कब्जा जमाने के लिए भरपूर सियासत की गोटियां फिट कर रहे हैं। अलग अलग समीकरणों के सहारे जीत का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। बीजेपी ने अपना सूखा खत्म करने के लिए एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया, तो गठबंधन साथी पार्टी जेजेपी भी भव्य जीत के लिए चुनावी मैदान में विपक्ष को वोट से चोट देने के लिए प्रचार में जुटी है। उधर कांग्रेस की कलह ने आदमपुर के उम्मीदवार की टेंशन को बढ़ा दिया, क्योंकि हुड एंड कंपनी ही जेपी के पक्ष में प्रचार करने के लिए आदमपुर के सरजमी पर जी जान से जुटे हैं। और दूसरी तरफ कुमारी सैलजा, किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला उपचुनाव के रण से दूर हैं। आदमपुर को सूबे की राजनीति का एपिसेंटर मानकर आम आदमी पार्टी 2024 पर नजर गड़ाए है। हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के दिग्गज आप नेता सत्येंद्र के पक्ष में माहौल बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पंडित मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच बता रहे हैं। अब देखना होगा आदमपुर में बीजेपी अपना सूखा खत्म करेगी या कांग्रेस अपना किला फिर से बचाने में कामयाब होगी। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और चलिए चर्चा करते हैं। सवाल यह है कि क्या एक अंतरकलह जिसकी कहानी सालों से चलती आ रही है वो खत्म हो गई है, या फिर आदमपुर में भी दिखाई दे रही है? प्रवीण अत्रे भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। केवल ढींगरा हैं जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, इसके अलावा हमारे साथ रजत पंजेटा जुड़े हैं इंडियन नेशनल लोकदल से, और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मनवीर छिल्लर मौजूद हैं। ढींगरा साहब, तो 4-5 दिन ही बचे हैं। आपसे मैंने पहले भी 2-3 बार पूछा था और फिर एक बार पूछ लेता हूं, जो पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष रही हैं कांग्रेस की, वो प्रचार कब करने आ रहे हैं? पूर्व सीएलपी लीडर प्रचार करने कब आ रही हैं? वो नामांकन में भी नहीं आए, अभी तक नहीं आए, यानी सब कुछ एक तरफा चल रहा है वाली बात में दम तो है? नहीं, देखिए, आज जो है उनको जिम्मेवारी हमारी हाईकमान की जो है वो सीडब्ल्यूसी की तरफ दी गई है, तो अपना अपना माइंड है। वो हो सकता है प्रचार करने आए, अभी तक उनका प्रोग्राम नहीं आया, हो सकता है प्रचार करने आए, तो ये कांग्रेस की अपनी अंदरूनी फैसले होते हैं। हमने उनको प्रचार कमेटी में डाला है, उनका मन होगा प्रचार करने के लिए या उनको ऊपर से कोई AICC से फ्री करेंगे तो वो आ जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? दो बातों में अंतर आ गया ढींगरा साहब, दो बातों में अंतर आ गया। यही शाम को आपने कहा था कि वो प्रचार करने आएंगे, आज आप कह रहे हैं उनका मन करेगा तो आएंगे। ये देखिए, आप ही थे जिन्होंने ये बात कही थी। सुनिए ना, अगर वरुण जी AICC उनको फ्री करेगी तो वो जरूर आएंगे। और जिनको हमने प्रचार कमेटी में डाला है, सुनिए, हमारे कम से कम 27 MLA जो है प्रचार कमेटी के अंदर है और वो वहां पे है। हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट वहां पे है, कार्यकारी अध्यक्ष वहां पे है, हमारे हुड्डा साहब वहां पे है, सीएलपी लीडर और कैंडिडेट वहां पे है, तो बहुत सारे लोग हैं। सभी कार्यकारी अध्यक्ष मौजूद है सर? ढींगरा साहब, सभी कार्यकारी अध्यक्ष मौजूद है क्या? नहीं, कुछ है कुछ नहीं है। हमने सभी लोगों की ड्यूटी लगाई है, सभी लोगों को वहां डालना जरूरी नहीं होता है। हमने ड्यूटी लगाई है, बहुत सारे लोग हमारे उसमें है। आप बताइए बीजेपी के कितने लोग वहां पे ड्यूटी पे है? नहीं, मैं पूछ लूंगा ना। ये INLD के कितने ड्यूटी पे है भाई? मैं पूछूंगा। ये आम आदमी पार्टी वाले कितने ड्यूटी पे है? या आप लोग सिर्फ कांग्रेस से ही सवाल करते हैं? नहीं, ऐसे ना करा करिए। नहीं ढींगरा साहब, आप कम से कम ये ना कहिए कि सिर्फ कांग्रेस से सवाल करते हैं। नहीं 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 नहीं, हम सीट, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी आप कहेंगे कि मैं सिर्फ कांग्रेस से सवाल करता हूँ। वेलकम भी करेंगे? नहीं नहीं, हम वेलकम लेने के लिए भी तैयार बैठे हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारी जीत जो है वो निश्चित है। ठीक है, आपकी जीत निश्चित है, लेकिन ये ना कहे कि सर कांग्रेस से सवाल करते हैं। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप हमारे से ही सवाल करते हैं। आपने कभी बीजेपी से इस तरह का सवाल नहीं किया। आपको ऐसा क्यों लगता है बीजेपी से सवाल नहीं किया? मैंने ऐसा कभी सुना नहीं है। अच्छा, जब जब बाबा जी की बात हुई थी तो सबसे ज्यादा हमें सवाल उन्हीं से किए थे ना।
चलिए ठीक है, सफाई नहीं बाबा जी का नहीं, मैं पर बीजेपी हाँ, ठीक है भाई प्रवीण अत्रे, चलिए ठीक है आप घुमा गए, हालांकि सीडब्ल्यूसी जो स्टीयरिंग कमेटी बन गई उसमें सारे चेहरे नहीं है, मतलब किरण चौधरी भी ये कह रही थी कि सब कुछ एक तरफा चल रहा है और प्रचार में बुलाया जाएगा तो जाएंगे, वो सारी बातें नहीं। वरुण जी सुनिए सुनिए, देखिए मेरा बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है आपको कि इस कमेटी के अंदर बीजेपी के कितने प्रचार कमेटी में लोग हैं और कितने आए, आपको भी नहीं पता होगा, नहीं नहीं तो क्या जब आपको पता ही नहीं होगा। मुझे पता है सर, मुझे पता है, मैं ये चर्चा का टॉपिक कैसे नहीं रखता, थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई करके बैठते हैं। अच्छा मैं प्रवीण अत्रे जी के पास जा रहा हूँ, ठीक है अत्रे साहब भाई आपके मतलब ठीक है, ढींगरा साहब ने तो कह दिया कि हम और सवाल नहीं पूछते हैं, लेकिन मैं ये इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि ढींगरा साहब कह रहे हैं, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि आपको भी गठबंधन के तो सहयोगी नजर नहीं आए हैं। नहीं नहीं देखिए ऐसा है, गठबंधन के सहयोगियों ने कल ही सिरसा में उनकी बैठक हुई थी, उस बैठक में पूरी तरह से उन्होंने अपने आगे का जो प्रोग्राम है वो स्पष्ट कर दिया, चुनाव प्रचार में आ रहे हैं उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया, एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में जुट जाए ये स्पष्ट हो गया, तो जब वो खुद ही अपनी कल की बैठक में चीजें स्पष्ट कर चुके हैं मुझे लगता है कि उसके बाद कहने को कुछ बचता नहीं। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है वरुण जी, आपने जो आज का पेपर है ढींगरा जी के लिए थोड़ा मुश्किल रख दिया, और आपने पहला सवाल ही ऐसा पूछ लिया कि ढींगरा जी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था ढींगरा जी कहना क्या चाह रहे हैं। ढींगरा जी ये कह रहे हैं कि देखिए साहब हमने अपने लोगों की ड्यूटी लगाई है, यही तो सवाल है कि आपने केवल अपने लोगों की ड्यूटी लगाई है, मतलब हुड्डा एंड कंपनी, तो भाई शैलजा जी कहाँ है, किरण जी कहाँ है, सुरजेवाला जी कहाँ है, ये सवाल तो स्वाभाविक है पूछा जाएगा, तो आपको बताना चाहिए। लेकिन बजाय आप ये बताने के आप ये कह रहे हैं कि उनका मन होगा तो वो आ जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं आएंगे, यही सवाल है कि साहब उनका मन नहीं है। तो जो ये सिर्फ टोल है कांग्रेस की, ये तो लगातार वरुण जी हम देख रहे हैं, जींद में जब हुड्डा साहब ने कांटा निकाला रणदीप जी का, तो अब कहीं ना कहीं रणदीप जी की बारी है बदला लेने की, तो कांटे तो निकलेंगे और कांग्रेस की रिवायत है कांटा निकालने की। भाई वो कह रहे हैं हाई कमांड में बिजी है अभी, सीडब्ल्यूसी तो स्टीयरिंग कमेटी है ना, स्टीयरिंग कमेटी में है वो। देखिए आप ये भी एक बड़ी आपने सही बात यहाँ पे याद दिला दी, स्टेयरिंग कमेटी में शैलजा जी को जिम्मेवारी दी जाती है, सुरजेवाला जी को जिम्मेवारी दी जाती है, लेकिन जिसके लिए हुड्डा साहब लगातार प्रयासरत रहे उनके सुपुत्र, उनका क्या हुआ, मतलब आप ये मान के चले कि कांग्रेस में जो हो रहा है। नहीं नहीं सीडब्ल्यूसी में नहीं थे लेकिन हुड्डा साहब तो प्रयासरत थे ना किसी तरह से, देखिए हुड्डा साहब की पूरी कोशिशें अपने सुपुत्र को एस्टेब्लिश करने की है, भले ही सुपुत्र के अंदर काबिलियत है या नहीं है, अब ये आदमपुर चुनाव क्या है ये भी यही साबित करेगा। जिस तरह से कांग्रेस के हालात हैं, अभी ढींगरा जी कह रहे थे देखिए कांग्रेस ही जीतेगी, वरुण जी मैं आपके चैनल पे चर्चा में पहले भी बोल के गया था, दोबारा रिपीट करता हूं, दूसरे नंबर पे कांग्रेस आएगी भले ही अंतर 50,000 से ज्यादा मतों का हो, ये आप मेरी बात को मार्क कर लीजिएगा, वहां पे कुछ नहीं है किसी के लिए। आदमपुर चुनाव भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बहुत बड़े अंतर से जीत रहा है, भले ही दावे कोई कुछ भी करे बैठ के, आपके चैनल पे हर रोज जो है विपक्षी मित्र बड़े बड़े दावे करते होंगे और कुछ तो ऐसी बातें करते हैं जैसे गोवर्धन पर्वत उन्होंने उठा रखा है लोकतंत्र का, वो कमाल करने वाले हैं, जबकि धरातल पे है नहीं, दिखते नहीं है, लेकिन उसके बावजूद दावे होते हैं, तो दावे तो किए जा सकते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहा है, क्योंकि कांग्रेसी मित्र तो अपना ही कांटे निकालने में व्यस्त है, कांग्रेस की अपनी सिर्फ टोल जो है वो इनको व्यस्त रखे हुए है, सबने एक दूसरे का कांटा निकालना है, और बाकी राजनीतिक दल कहीं है नहीं है, वो अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं दिख जाए, वरुण जी को दिख जाए कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, इससे ज्यादा बाकी का कुछ नहीं, जनता को दिख जाए बेहतर है जी, हमें तो जो दिखेगा जनता को दिख ही नहीं रहा, वरुण जी जनता को दिख ही नहीं रहा, चर्चा कर ही लेंगे ठीक है। एक बार रजत पंडेजा के पास चलते हैं, रजत मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई अभी हम देख रहे हैं कि ओम प्रकाश चौटाला पूर्व मुख्यमंत्री वो प्रचार कर रहे हैं, पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रचार कर रहे हैं, इसके अलावा जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उनका कार्यक्रम आज हम सुन रहे हैं कि एक दो दिन में शुरू होने जा रहा है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री वो प्रचार कर रहे हैं, यानी सभी जुटे हुए हैं, लेकिन ढींगरा साहब कह रहे हैं कि बाकी पार्टियों के नेता उतने नजर नहीं आ रहे जितने हमारे वहां पर हैं। नहीं इनके तो जो वैसे नेता हैं उन्होंने मुझे लगता है जयप्रकाश जी के अलावा वहां ज्यादा कोई नहीं है, मैं खुद वहां 4-5 दिन अभी पीछे आदमपुर में ही था, मैंने स्वयं तो इनके किसी नेता को कोई ऐसा चेहरा नहीं देखा, और इनके जो खुद जो जयप्रकाश जी हैं वो वहां की जो जनता है
उसको उनकी जो बागड़ियों को और गादड़ी से कंपेयर करके लठ उठा के मारने की बात करते हैं। यानी जो भी स्वाभिमानी बागड़ी है वो एक बागड़ी माँ का ही बच्चा है, उस बागड़ी माँ को ये गाली दे रहे हैं, उस बागड़ी बाप को गाली दे रहे हैं, उस बागड़ी औलाद को गाली दे रहे हैं, यानी सारे बागड़ियों को वो व्यक्ति गाली दे रहा है जो कहता है कि मैं कभी कलायत छोड़ के नहीं जाऊंगा, जो कहता है मुझे हुड्डा ने साजिश के जरिए बाहर निकाला है, जो हरियाणा के सारे जो भी घराने हैं, जो भी पॉलिटिशियंस हैं, उनको आपस में उनको लिंक कर देता है और कहता है वो सब जयप्रकाश के दुश्मन है। मेरे को तो समझ में नहीं आता है इतनी व्यक्तिगत बयानबाजी। मैंने सारे पैनल में है और भी नेता है, इतने व्यक्तिगत मतलब उनके पास कुछ है ही नहीं शायद, इसीलिए कलायत आ रहे हैं। और नेता निश्चित तौर पे, जहां तक हमारा सवाल है, सुनैना जी चौटाला है वहां पे, करण है, अर्जुन है, सबके प्रोग्राम बने हुए हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी का रत्मा जो है उनके प्रोग्राम वो तो लगातार ही घूम रहे हैं, चुनाव हो ना हो वो टिक के नहीं बैठ सकते, उनके डीएनए में ही नहीं है, उनका ऑक्सीजन ही जनता के बीच में रहना है। फिर अभय सिंह चौटाला जी के प्रोग्राम में निश्चित तौर पे बीच में अभी जो है चुनाव आ गए हैं परिषद के, ब्लॉक समिति के, पंचायत के, इस वजह से थोड़े से जरूर बीच में कभी कभी जाना पड़ता है और जगहों पे भी, लेकिन ओम प्रकाश जी चौटाला जी वहीं पर हैं और कुरड़ा राम जी के साथ रथ में उनका प्रोग्राम है, उमेद लोहान जी वहां पर हैं, बाकी हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहां पर हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे तो बहुत से नेता फील्ड में है, उनका तो मतलब एक अब उनको कोई बताना समझाना नहीं पड़ता, वो इंतजार में रहते हैं कोई चुनाव आए। और सारा इंडियन नेशनल लोकदल का वर्कर, सारा तो मैं नहीं कह पाऊंगा क्योंकि अभी बहुत सा वर्कर जो है वो नगर परिषद के जो चुनाव है उसमें भी बिजी है, लेकिन काफी वर्कर हमारा जो है आदमपुर में कैंपेनिंग कर रहा है। ठीक है मनवीर छिल्लर भाई, हमने देखा कि पंजाब के मुख्यमंत्री प्रचार करने आए, आपके और नेता भी घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी जो एक बड़ी दिल्ली में जो लीडरशिप है वो नहीं, और ढींगरा साहब ने एक तरह से कहा भी आपके कितने नेता वहां पर आ रहे हैं, क्या आप लोग बहुत गंभीर नहीं है चुनाव को लेकर? मनवीर जी की आवाज नहीं आ रही। जी हाँ बोलिए मनवीर जी, आ रही है आवाज, आ रही है, बोलिए बोलिए, आ रही है आवाज, आ रही है। हमारे चुनाव में जो गंभीरता वो इसी बात से दर्शाती है कि सबसे पहले चुनाव में टिकट की घोषणा आम आदमी पार्टी ने की, सबसे पहले चुनाव का पर्चा आम आदमी पार्टी ने शुरू किया। इसके साथ ही में प्रवक्ता साथियों ने कुछ कहा, आज का जो भी डिस्कशन हो रहा है आदमपुर चुनाव के विषय में, सिर्फ बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस में फूटे इस वजह से हम लीड कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि उनके नेता नहीं पहुंच रहे, कांग्रेस कह रही है परिवारवाद है इस वजह से हम चुनाव जीत रहे हैं। जो चुनाव जिन मुद्दों पे होना चाहिए, जो डिस्कशन होना चाहिए, जिन घोषणाओं पे चुनाव होना चाहिए, उनकी बजाय सिर्फ चुनाव इस बात पे लड़ना चाह रहे हैं कि दूसरे में ये कमी है और इस कमी की वजह से वो हार रहे हैं। जीत नहीं रहे, कोई ये नहीं कह रहा हम जीत रहे हैं, सब ये कह रहे हैं वो हार रहे हैं। चुनाव का दूसरे की कमी लगाकर तो वोट मांगा ही जाता है, ये तो बड़ी बेसिक सी बात है मनवीर। ये दो नेगेटिव पॉलिटिक्स और पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, दोनों पार्टियां सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रही है, पॉजिटिव पॉलिटिक्स नहीं। सिर्फ आम आदमी पार्टी एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स के साथ मैदान में है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, और शिक्षा के अधिकार के साथ इस चुनाव में जाना चाहती है, व्यवस्था परिवर्तन के अधीन इस चुनाव में जाना चाहती है। इसके बाद आता हूं फिर, जो भी चुनाव का मुद्दा है वो ये होना चाहिए कि चुनाव क्यों लड़ा जा रहा है, कैसे लड़ा जा रहा है, और लड़के क्या करेंगे। आज तक बीजेपी ने आदमपुर में 8 साल में क्या किया वो ये बताएं कि हमने आदमपुर में ये किया इसलिए हमें जितवाइए। ठीक है, कुलदीप बिश्नोई के परिवार ने 50 साल से ज्यादा राज किया, 24 साल हो गए, बताएं ना आदमपुर में के लिए उन्होंने क्या किया है जिसके लिए उसके बेटे को जो है वहां से एमएलए बना दिया जाए। ठीक है, दूसरी बात जयप्रकाश जी, जेपी जी कहते हैं कि मैं कलायत का बेटा हूँ, कलायत में रहूंगा, आदमपुर आते हैं तो कहते हैं मैं आदमपुर का बेटा हूँ, आदमपुर में रहूंगा, एक आदमी दो जगह कैसे रहेगा, ये बताए कि वो रहना कहाँ चाहते हैं। इसके साथ ही सिर्फ सत्येंद्र सिंह एक वहां के लोकल उम्मीदवार है, वहां के स्वच्छ पाकिस्तान किसी के भी, आप किसी का भी कर लीजिए, किसी के भी जो भी चुनाव में प्रतिनिधि है सबका आपस में एक बार जो है मैं ये नहीं चाहता कि कम से कम इस एक उपचुनाव में पाकिस्तान का जिक्र हो, इसकी जरूरत नहीं है। रुक जाइए, आता हूं परवीन आ रहा हूं एक बार।
डिंगरा साहब मुझे इतना बता दीजिए कि भाई जो अभी आपके नाम गिनवा रहे थे, आपके जो मित्र बैठे हुए हैं यहाँ पर, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो या किरण चौधरी हो या कुमारी शैलजा हो, कम से कम प्रचार में दिखते तो इन हवाओं को बल नहीं मिलता या फिर ऐसी तुकबंदियां नहीं होती जो आपके मित्र यहाँ बैठ के कर रहे हैं? नहीं पूछा आप ये मत बोलिए मैंने नहीं पूछा, और कम से कम मेरे सवाल सर सवाल का जवाब सवाल नहीं होता डिंगरा साहब, ये बड़ी हैरानी की बात है। आपने जो पूछा, हाँ नहीं सुनिए मैं मेरी बात सुनिए वरुण जी, आपने जो पूछा वो इन्होंने जवाब नहीं दिया, मैंने ये कहा आपने जो पूछा वो इन्होंने जवाब नहीं दिया क्योंकि इनके आपके पास कोई लिस्ट नहीं है कि कौन सा आदमी आया कौन सा नहीं। मेरे पास लिस्ट है, मैं दिखा दूं आपको। सुनिए आप चाहते तो मिल पढ़ दूं, मेरे को मालूम है आपके पास लिस्ट नहीं है। नहीं मैं पढ़ देता हूँ सर, लेकिन उसमें समय खराब होगा। आप सवाल का जवाब सवाल दे रहे हैं डिंगरा साहब, कौन सा नहीं है, है? मैं आपको लिस्ट गिनवा दूंगा लेकिन आप सवाल के जवाब में सवाल मत दीजिए। नहीं आप मेरे को इतना बता दें, आप क्योंकि आप कह रहे थे वो आएंगे, अब वो कह रहे हैं उनका मन करेगा तो आएंगे। नहीं मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये मौका आप विरोधियों को दे कैसे देते हैं? मैं आपको मान जाऊंगा अगर आप मुझे इतना बता दें कि बीजेपी के ये लोग प्रचार कमेटी में थे ये नहीं आए, आप बता दीजिए। अच्छा मैं आपको बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट बता दूंगा, आप ये चाह रहे हैं ना? बता दीजिए। ठीक है ना, ठीक है, तब तक आप सवाल का जवाब दे रहे हैं, मैं लिस्ट निकाल लूं। लिस्ट निकालो। हाँ ठीक है, आपको लिस्ट निकालनी पड़ेगी। नहीं नहीं मैं तो निकाल लूंगा। नहीं नहीं आप डिंगरा साहब इतना माहौल ना बनाए कि अपना लिस्ट नहीं निकाल पाऊंगा। नहीं नहीं एक मिनट का काम है मेरे लिए। सवाल किया था कि कांग्रेस पे ही रेप की जाती है, वो आपका बात से मतलब आप ये कह रहे हैं कि ठीक है इस विषय पर सवाल मत पूछिए, ये कह रहे हैं आप? मैं नहीं कह रहा, आप जवाब देना चाह रहे हैं डिंगरा साहब, तो मैं उसका क्या कर सकता हूँ बताएं? आपके पास सभी की लिस्ट होनी चाहिए। नहीं नहीं मेरे पास भाई एक बात बताए, आपने ये कहा था ये सब लोग प्रचार करने आएंगे सब ठीक चल रहा है, आज आप ये कह रहे हैं कि उनका मन करेगा तो आएंगे, अब आप कह रहे हैं मैं इसका सवाल भी ना पूछूं, भाई इतनी ज्यादती तो ना करिए मेरे साथ। ना 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 नहीं कर रहा सर, हैं इतनी ज्यादती तो ना करिए। मैं आपसे कह रहा हूँ आपके पास लिस्ट नहीं है। नहीं नहीं मेरे पास लिस्ट है, अरे मेरे पास लिस्ट है, आप चिंता ना करें। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हमसे सवाल क्यों कर लिया, भाई एक बात बताएं। अच्छा एक बात बताएं, किस नेता, एक मिनट सुन तो लीजिए, किस नेता ने ये कहा था कि एक सब कुछ एक तरफा चल रहा है, किस नेता ने कहा था हमें मीटिंग में नहीं बुलाया जाता, और किस नेता ने कहा था कि हमें प्रचार के लिए बुलाया जाएगा तब हम जाएंगे? क्या आपने बुलाया है प्रचार के लिए, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके, नहीं आज आप जवाब नहीं दे रहे हैं, नेता नहीं आया। नहीं नहीं आप जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं किरण चौधरी ने कहा था प्रचार के लिए बुलाया जाएगा तो जाएंगे, तो क्या उन्हें प्रचार के लिए बुलाया गया है? नहीं उन्होंने कहा, उदय भांजी ने कहा था हमें जरूरत ही नहीं है उनकी, उदय भांजी ने ये बयान दिया था हमें जरूरत ही नहीं है उनकी। प्रवीण अत्रे कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं लिस्ट तब तक निकाल देता हूँ। प्रवीण अत्रे कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं लिस्ट निकाल तो रुके आप, प्रवीण अत्रे बोलिए। देखिए अरे डिंगरा जी रुकिए मैं बता देता हूँ, अरे डिंगरा जी रुक जाइए, अरे रुक जाओ बेटा नारी भीम, शांत शांत प्रभु शांत, सुनिए मैं बता देता हूँ। देखिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में डिंगरा जी सवाल कर रहे हैं, अरे रुक जाओ भाई अब, अरे रुक जाओ भाई अब, अरे रुक जाओ प्रभु, अरे हो गया भाई, हो गया अरे हो गया, शोर मत मचाओ, अरे इनकी आवाज बंद करो यार, अरे इनकी आवाज म्यूट करो यार, अरे सुन लो अब, भारतीय जनता पार्टी ने आपके सवाल पूछा कि भारतीय जनता पार्टी का अच्छा ये लिस्ट पढ़ दूं क्या मैं, हालांकि समय बहुत चला गया है, एक मिनट रुक जाए, मैं जवाब दे रहा हूं भाई इनको, ये लिस्ट पढ़ दूं क्या मैं डिंगरा साहब, 35 नाम है मेरे पास, मैं बिना बता डिंगरा साहब, ये मैं जवाब देता हूं, 35 नाम है मेरे पास, क्या मैं, अरे ऐसा है वरुण जी, वरुण जी अत्रे जी बोलिए, भाई अत्रे जी बोलिए, एक तो ढींगरा साहब ना अपनी जेब में, अरे भाई रुक जाओ यार, बढ़िया बहुत यार, हाँ बोलिए प्रधानमंत्री जी बोलिए, एक तो ये ढींगरा जी जो है, अरे रुक जाओ यार बहुत हो गया तुम्हारा शोर, ढींगरा जी का जवाब ले लें, जवाब ले लेते हैं, बोलिए ढींगरा जी, अरे जवाब क्यों लेने दीजिए अब, अरे यार इस बंदे को ढींगरा जी जवाब ले लेते हैं, हाँ जी बोलिए। देखिए अपनी जेब में ना ढींगरा जी एक विक्टिम कार्ड डाल के रखते हैं हमेशा, और जैसे ही आप कांग्रेस का सवाल पूछते हो ढींगरा जी तुरंत विक्टिम कार्ड निकालते हैं और सीधा बोलते हैं साहब आप कांग्रेस से क्यों पूछ रहे हो, आप कांग्रेसी गुटबाजी पे सवाल क्यों कर रहे हो, भाई सवाल आपके नेता खड़े करते हैं, शैलजा जी का बयान आप शैलजा जी को कह देते कि वो बयान ना देती, आप किरण जी को कह देते कि अरे सुन लो भाई अब सुन लो, अरे जवाब दे रहा हूं ना यार, आप बोलिए,
बोलिए। अब आप जब आपके नेता मीडिया में आके ऐसे ऐसे सवाल खड़े करेंगे अपनी ही पार्टी पे, तो सवाल तो बनेगा। लेकिन अब बात आ जाती है बीजेपी के नेता। देखिए, संगठन और सरकार दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी के, ढींगरा जी अगर चाहें तो लिस्ट ले ले, मंत्रिमंडल के कंवरपाल जी चुनाव प्रचार के अंदर, बनवारी लाल जी चुनाव प्रचार के अंदर, मूलचंद जी चुनाव प्रचार के अंदर, कमल गुप्ता जी चुनाव प्रचार के अंदर, संदीप सिंह जी चुनाव प्रचार के अंदर, और हमारे यहाँ तो बड़ी, अरे सुन लो भाई, अब हमारे यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी, अरे सुन लो यार, बहुत हो गया तुम्हारा, रिंग मंत्री बंद करो, हमारे भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी योजनाबद्ध तरीके से, अरे सुन लो भाई, अबे और सुन लो भाई, रिंग मंत्री बंद कर लो यार, रिंग मंत्री बंद कर लो, बंद थोड़ी देर के लिए, आपने कहा कौन कौन है वो नाम बता रहे, सुन लीजिए ना एक बार, हमारे भारतीय जनता पार्टी तो बड़े योजनाबद्ध तरीके से चुनाव लड़ती है, बाकायदा पार्टी नेताओं की ड्यूटी लगती है, अलग अलग टीमें बनती है, हमारे यहाँ केवल भूपेंद्र हुड्डा एंड कंपनी नहीं है, मंत्रिमंडल के सारे मंत्री बाकायदा आदमपुर के अंदर चुनाव प्रचार में, संगठन स्तर पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ चुनाव प्रचार में, हमारे तीनों महामंत्री मोहनलाल बडोली जी, वेदपाल जी, पवन सैनी जी चुनाव प्रचार के अंदर, और तो और हमारी मीडिया की टीम के साथ ही चुनाव प्रचार में। डिंगरा जी बता देता हूं, मैं डेंगू से पीड़ित था, 15 दिन से घर पे पड़ा था, शरीर में कमजोरी है इसलिए मैं नहीं जा पाया, जैसे ठीक हुआ मैं भी नजर आऊंगा आपको वहां पे। तो भारतीय जनता पार्टी में डिंगरा जी आपकी तरह सिर्फ फुटोवल नहीं होती, ये एक अनुशासित दल है हमारा, हर वो नेता जिसकी ड्यूटी वहां पे लगाई गई, अरे सुन लीजिए भाई, हमारा हर वो नेता जिसकी ड्यूटी वहां पे लगाई गई वो प्रचार में है, आपकी तरह सुन लीजिए, अरे यार ये कैसा इंसान है, अरे सुन लो, अरे आपकी बात मुझे सुन नहीं रही है, अगर आप ऐसे बीच में बोलोगे, ढींगरा जी सुन लीजिए पहले, अगर आप ऐसे बीच में बोलोगे ना तो मुझे आपकी सुन रही है ना मेरी आपकी सुन रही है, फायदा क्या उसका, फायदा क्या उसका, पहले अरे यार ये क्या इंसान बिठा दिया आपने यार, कुछ नहीं मुझे, ढींगरा जी आप भी रुकिए, आप दोनों रुक जाइए, अगर आप ढींगरा जी रुकिए, आ रही है दोनों रुक जाइए, मत बोलिए दोनों रुक जाइए, बारी में बोलिएगा, अरे अपनी बात करिए, ढींगरा जी रुक जाइए, ढींगरा जी रुकिए, केवल ढींगरा जी चर्चा को आगे बढ़ा दीजिए, रजत पंजेटा मुझे बताइए, आप भूपेंद्र हुड्डा को समझा सकते हैं, ये जो बात अभी हो रही थी कांग्रेस के, गोयल जी कुछ नहीं समझ आ रहा, सर मैं प्रयास कर रहा हूँ, रुक जाइए, दोनों रुकिए प्लीज, दोनों रुकिए, अत्रे साहब और ढींगरा जी दोनों रुकिए, रजत मुझे ये बताइए कि क्या वाकई ये चुनाव बीजेपी वर्सेस कांग्रेस से दूसरी पार्टियां नहीं दिख रही क्या इसमें? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी कोई एक अनुमान लगा लेना अपनी तरफ से वो बहुत जल्दबाजी होगी, किसी को अंडर एस्टिमेट करना या किसी को ओवर एस्टिमेट करना, कोई अपना बैठ के सर्वे करे, कोई अपना बैठ के वो कितना रिलायबल है, ये कोई सट्टा नहीं है कि किसी के ऊपर आप खेले और वहां के लोग वो तय करेंगे कि कौन सा उम्मीदवार पार्टी में आगे है कौन सा नहीं है। बहुत सी समस्याएं हैं, जयप्रकाश जी तो खुद नकली नोट बांट गए थे, उसके बाद यहाँ पेट्रोल पंप गोयल पेट्रोल पंप वाले के ही 5,00,000-4,90,000 उन्होंने देने हैं, वही आज तक नहीं दिए, जब पूछते हैं तो कहते हैं मेरे सामने तो लेके आओ, मेरे पास तो कोई आता ही नहीं, ये बड़ा अजीब जवाब देते हैं वो। दूसरा, किरण चौधरी जी को तो इन्होंने अपमानित किया, इनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हमें तो ना उनसे पूछने की जरूरत है ना उन्हें बुलाने की जरूरत है, ये बयान मैंने खुद सुना है मीडिया पे टीवी के ऊपर, और वहां की बहुत समस्याएं हैं, वहां की अगर आप बगला रोड जाए पूरी टूटी हुई है, फ्रांसी जाए इधर से आप जाए कोली की तरफ जाए, कई गांव की जो अंदर की सड़कें हैं वो टूटी हुई हैं, अगर आप प्रचार में गए हो तो बहुत सा वहां पे ऐसा, पानी की समस्या है वहां पर, तो शिक्षा की समस्या है, स्कूल बंद हो रहे हैं वहां पर, तो वहां की जनता के हाथ में क्या है, और बहुत से लोग वहां मजबूरी और प्रेशर के अंदर मैंने देखे कि हम मन से नहीं चाहते हम यहाँ है, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है, प्रेशराइज भी फील कर रहे हैं, तो अगर जनता फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो जो रिजल्ट होंगे वो बहुत चौंकाने वाले होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई सिंगल वे, अगर आज कोई अगर आप सोचे कि हम किसी सट्टे पे आधारित होकर अगर आकलन करेंगे, वो कोई भी प्रेशर के अंदर भी कोई वो चीज हो सकती है, कोई सर्वे के ऊपर आप कितना कौन सा रिलायबल, कितना रिलायबल सोर्स है, बहुत से सर्वे बहुत से एग्जिट पोल हमने फेल होते भी देखे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप ये इन बेसिस के ऊपर अगर हम अपने ही वो करें, हम यहाँ सारे पढ़े लिखे लोग हैं, जनता की समस्याएं हैं जो क्या मूलभूत सुविधाओं की समस्याएं हैं,
वैसे कुलदीप बिश्नोई जी ने किया क्या है, वो सबसे फेल मुख्यमंत्री खट्टर जी को बताते थे, उनका खुद का बयान है और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में बताया था। तो बहुत सी ऐसी समस्याएं जी, मैं लौटता हूं आपके पास, थोड़ा सा पीछे से डिस्टरबेंस आ रहा है उस पर मैं लौटता हूं। मनवीर छिल्लर मुझे ये बताएं कि ये जो पूरा चुनाव हो रहा है भाई, दिल्ली में आपके जो नेता है बड़ी स्ट्रॉन्ग एक लीडरशिप है, वो फुल फ्लेज आदमपुर में कब दिखाई देगी या शुरू में दिखी थी या वापस दिखाई देंगे? देखिए, शुरू से ही आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो आदमपुर में उसी दिन से हैं। हमारे जो प्रभारी हैं सुशील गुप्ता जी, अनुराग ढांडा जी, प्रभाकर गौड़ जी, भगवत मान जी हमारे जो है खुद आए हैं, अरविंद केजरीवाल जी का भी रोड शो वहां पे प्लान है। सभी नेता जो हमारे दिल्ली के जो MLAs हैं उनकी सबकी ड्यूटी है, वो सभी वहां पे आए हुए हैं। और सभी के जो है मनीष सिसोदिया जी का उससे चुनाव की घोषणा होने से पहले से ही सभी के प्रोग्राम हमारे चलते आ रहे हैं और पूरी आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ और पूरे अपने मुद्दों के साथ और अपने दिल्ली मॉडल के साथ आदमपुर में चुनाव लड़ रही है और अपने मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रही है और जनता को समझाने की कोशिश कर रही है कि चुनाव जो है जो ए और बी टीम की तरह नहीं, एक आम आदमी की मूलभूत सुविधाओं के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, इनके ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा। वाली कहानी क्या है, मतलब आप लोग बहुत ज्यादा इसको इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, हिंदुस्तान की राजनीति में दो टीम है, एक ए टीम एक बी टीम। एक ए टीम है जो ब्लैकमेल करती है, एक बी टीम है जो ब्लैकमेल होती है, उसने ऐसे कांड किए हुए हैं कि वो ए टीम से ब्लैकमेल हो जाती है। एक ए टीम है जो खरीदती है और बी टीम है जो बिकाऊ है, जो बिक जाती है। ये जो आप जिसको भी वोट दे रहे हैं, जो बिश्नोई जी हैं, वो अपने मर्जी से प्यार से थोड़ी ना आए हैं बीजेपी में, वो तो ब्लैकमेल होकर के आए हैं। उनका 200 करोड़ का आईटी का केस है, ये ए और बी टीम का। इससे पहले सिर्फ सेटिंग करके आदमपुर में चुनाव लड़े जाते थे। सेटिंग ये होती थी कि इस उम्मीदवार के खिलाफ अपना एक डमी उम्मीदवार उतारा जाता था ताकि उसको जिता दिया जाए। ऐसे ये सेटिंग दूसरी जगह करते थे, जान पूछ के इन्होंने कुछ लोगों को, राजा रजवाड़ों को परिवारवाद में उनको बढ़ाया कि आप यहाँ पे हमारी मदद करेंगे, हम आपकी यहाँ पे मदद करेंगे। और इसी वजह से ये 40-50 साल जनता को गुमराह करके, बेवकूफ बना के राज करते चले आए हैं। और इसी राजशाही को, राजा रजवाड़ों को, ढींगरा साहब, सेटिंग से चुनाव होता रहा, ये आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी। देखिए, 5 आदमी से ज्यादा ये गिना नहीं पाए आम आदमी पार्टी वाले, 5 आदमी से ज्यादा इनेलो वाले भी गिना पाए। कांग्रेस पार्टी के 26 से 27 MLA वहां पे है, कैंडिडेट वहां पे है, कांग्रेस के प्रेसिडेंट वहां पे है, कांग्रेस के CLP लीडर वहां पे है, हमारे MP दीपिंदर हुड्डा जी वहां पर है, कितने लोग वहां पर है, सवाल ये है प्रचार कर रहे हैं, कार्यकारी अध्यक्ष नहीं, ढींगरा जी को बोल दीजिए, रुकिए सवाल है, सवाल ये है, इन्होंने जिस तरह से मुझे डिस्टर्ब किया वरुण, अब मुझे थोड़ा आनंद ले लो, मैं पूछना चाहता हूँ, आनंद ले लो इनका। अच्छा, आप तो सवाल पूछ रहे हो, नीरज इनकी आवाज इको है, इनकी आवाज क्लियर नहीं है, निकाल दिया। बीजेपी में गुटबाजी की कब खबर चली है, बहुत ज्यादा, ये कब हमारे खबर टीवी चैनल पे आई कि OSD नीरज दफ्तवार को पार्टी से निकाल दिया गया? OSD के OSD पार्टी में होता है क्या सर? मेरे को तो पहले ये करेक्ट कर दीजिए आप, मैं तो मतलब फिर आप ना आप बात ऐसी कर जाते हैं ढींगरा साहब जिसका जवाब देना मुश्किल होता है। नहीं नहीं, OSD पार्टी में नहीं होता ना सर, पार्टी में मिस ऑफ टंग हो गया, सरकार में होता है OSD। और अगर आप OSD जब निकाल दिए जाते हैं तो आपको अगर अगर चलिए और मैं आपको ये खबर दिखा दूं, फिर अगर आज आप चैलेंज मूड में है मैं आपको ये खबर दिखा दूं, फिर एक मिनट सुन तो लीजिए ना वरुण जी, सुन लीजिए ना फालतू की झूठ पता नहीं है, जनता के बारे में ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, मुझे आपने देखा होगा, हैरानी है, जानकारी नहीं है। ये बात वो ढींगरा साहब कह रहे हैं जो इस मंच पर रोज बैठ के सारी बातें कहते हैं, और वो सवाल पूछ रहे हैं कि ये सवाल कब पूछा था। ठीक है वरुण जी, सुनिए सुनिए, मैं कंप्लीट करिए सर, कंप्लीट करिए, जवाब लेना, आपको पता है मेरी चर्चा में समय थोड़ा कम रहता है, एक सवाल पूछ लीजिए आप। डायलॉग है, कितने आदमी थे, वो पूछ रहे हैं कितने आदमी थे, ये डायलॉग था फिल्म का, वो आपके लिए पूछ रहे हैं कितने आदमी थे,
देखिए मैं हालांकि पहले बता चुका हूँ कि सरकार ने जो जितने मंत्री है कैबिनेट में वो प्रचार के अंदर है, संगठन के पदाधिकारी वो प्रचार के अंदर है, और मैं सबके नाम ले चुका हूँ, लेकिन ढींगरा जी को खैर समझ नहीं आएगा, क्योंकि ढींगरा जी जो है वो बेचारे आपने गलत सवाल दे दिए हैं इनको, क्योंकि वो पेपर आपने इतना टफ रख दिया है, अब वो सवाल पे सवाल करेंगे और ऊट पटांग सवाल करेंगे तो कैसे चर्चा होगी। विषय यहाँ पे ये है जो आम आदमी पार्टी का भाई कह रहा था, मैंने आपको शुरुआती चर्चा में कहा था ना कि ऐसे लोग भी आके भगवंत मान जी आए थे रोड शो करने, और आप वरुण उस रोड शो की रिपोर्टिंग आपके पत्रकार ने भी की है, क्या था उस रोड शो के अंदर, 14 गाड़ियां थी जिसके अंदर से 7 खाली थी, बाकी में पंजाब के लोग थे, आदमपुर की जनता ने तो मुंह नहीं लगाया, तो ये तो स्थिति थी भगवंत मान जी के, कितने लोग प्रचार में गए बता दीजिए। अरे भाई ये कहां आप अपनी नजरें, आप अपनी नजरों की जांच कराइए, आप आदमी की जांच कराइए, आपको दूर का रास्ता नहीं है, आपको गाड़ियां से जाएंगे, आज ढींगरा साहब का मूड ठीक नहीं है, भाई बंद कीजिए, आप अपनी नजरों की जांच, दूर की चीज दिखाई नहीं दे रही है, आपको टेप लगानी पड़ेगी, बोलो क्या आप की स्थिति क्या है यहां पे। अरे प्रवीण अत्रे को बोलने दीजिए, बड़ी देर से चुप थे, उनकी बारी है भाई, बोलिए। देखिए आप अभी यहां पे आम आदमी पार्टी के, अरे भाई ये कहां कौन परेशान चंद बिठा दिया आपने, बीजेपी के परेशान चंद है, कितने आदमी गए वहां की स्थिति ये है कि मनोहर सरकार के 8 साल के काम, हरियाणा एक हरियाणवी एक, पूरे हरियाणा में समान विकास, 3 सी पे चोट, करप्शन पे चोट, क्राइम पे चोट, जिस तरह से व्यवस्था परिवर्तन मनोहर लाल जी ने 8 साल में किया, उसका नतीजा होगा आदमपुर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की बड़ी जीत। अच्छा चलिए मेरे को दूसरे लोग यहाँ पे शोर मचाने के लिए, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, अब ये बचे हुए जो बचे हुए 4-5 दिन है प्रचार के, सभी नेता दिखाई देंगे वहां पर बीजेपी के, जिनका नाम है सभी, देखिए बिल्कुल, अभी मुख्यमंत्री जी का 1 तारीख को प्रोग्राम बन जाएगा वहां पे, मुख्यमंत्री जी 1 तारीख को पहुंच जाएंगे, उसके अलावा जो हमारी स्टार प्रचारकों की सूची है, जैसे पंडित रामविलास शर्मा है और तो और कार्तिक शर्मा कल वहां पे प्रचार कर रहे थे हमारी पार्टी के उम्मीदवार का, वहां के लोकल सांसद जो है वो लगातार प्रचार में लगे हुए हैं, मुझे ये तो सवाल बताइए कि कौन नहीं है भाई, मैं वरुण जी सवाल का जवाब तभी दे पाऊंगा, अनिल विज नहीं है, अरे अनिल विज जी के स्वास्थ्य, देखिए अनिल विज जी हिसार के अंदर बाकायदा प्रचार के अंदर गए, अनिल विज जी का स्वास्थ्य उनको इतना अलाउ नहीं करता कि वो बहुत ज्यादा भागदौड़ करते हैं, ढींगरा जी को तो पता नहीं, ढींगरा जी यहाँ बैठ के बकवास करते हैं, ढींगरा जी अब क्योंकि नहीं समय 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 मेरे पास खत्म है, ढींगरा जी एक लाइन में जवाब दे दीजिए, बचे हुए 4-5 दिन में सभी नेता नजर आएंगे। देखिए 50 आदमियों की इनकी टीम, कोई भी आदमी वहां पे कितने हैं वो इनके पास कोई जवाब नहीं है, अपनी ये लूट योजना है, ये 50 के 50 हरियाणा सरकार को लूट रहे हैं, मेरा सवाल कुछ और था, जवाब कुछ और आ रहा है सामने से, प्रचार नहीं कर सकते वहां पे और ना ही करेंगे। चलिए मैं माफी चाहता हूँ रजत, और रजत आपको मैं पूरा ज्यादा समय नहीं दे पाया है क्योंकि चर्चा कहीं और चली गई थी, हालांकि चर्चा का विषय कुछ और था, पर आदमपुर पर चर्चा जारी रहेगी, आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आदमपुर की लड़ाई आप देख रहे थे, आदमपुर का दंगल है, कुछ दिन बचे हैं, उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और उसी तरह से मुकाबला दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहां रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।